बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ लड़की आवारागर्दी करे तो हमें उनसे कैसे हैंडल करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सेल्फ डिफेंस किया। टाउन हॉल में प्रोग्राम हुआ था ना, तब हमने वहाँ पे भी बोला था कि हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, तो ये भी कुछ सिखाया जा रहा है खुद की सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी सिखाया जा रहा है। अगर मेरी किसी सहेली को भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसके लिए भी लड़ सकती हूँ। हमें बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ लड़की आवारागर्दी करे तो हमें उनसे कैसे हैंडल करना है। और हमें सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सी बातें सिखाई जा रही है और हम मतलब आत्मनिर्भर बन सके उस प्रकार से हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही है, बहुत सी बातें हमें सिखाई जा रही है कि अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए तो हम क्या करें उस परिस्थिति में। ये बहुत वैल्यूएबल रहता है क्योंकि हमें मतलब इस एज में तो हमारे साथ ऐसा कुछ होता ही रहता है किसी ना किसी लड़की के साथ, तो इस मोमेंट पर हमें क्या करना चाहिए ये हमें बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है हमारे कॉलेज में। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है, मैं तो कहूँ ये हर मतलब लड़की को आना चाहिए और इसके बारे में हर किसी को मतलब नॉलेज होना चाहिए और हर किसी को ये आना ही चाहिए। ये भी कुछ सिखाया जा रहा है खुद की सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी सिखाया जा रहा है। अगर मेरी किसी सहेली को भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसके लिए भी लड़ सकती हूँ और खुद के लिए तो मैं लड़ूंगी। स्कूल में सिखाया, वैसे स्कूल में भी हमें ये सिखाया गया था, पहले थोड़ा एक्सपीरियंस तो था ही इस बारे में हमें, और अब थोड़ा और ज़्यादा देखने को मिल रहा है और हमें सीखने को मिल रहा है हमारी एज की गर्ल्स के लिए और हमसे बड़ी जो हमसे छोटी सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर हम ये सीखेंगे तो हम हमारी बहनों का, खुद का, सबका मतलब सपोर्ट सुरक्षा कर पाएंगे हम, और हम कभी भी पीछे नहीं खड़े रहेंगे, हमेशा सबकी सुरक्षा के लिए आगे खड़े रहेंगे। ये
पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है अभी, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को विशेष रूप से सिखाया जाता है, जिसमें उनको प्रशिक्षित किया जाता है सेल्फ डिफेंस के कुछ ऐसे गुर सिखाए जाते हैं, जिसमें नॉर्मल जो परेशानी आती है आते जाते तो उससे बच्चिया बच सके और ऐसे मतलब डरे नहीं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हम सिखा रहे जैसे बिना हथियार की लड़ाई है यह, जिसमें उनके पास कुछ होता नहीं है और अचानक ऐसा कोई अटैक हो जाए, या कई बार जैसे बसों में वगैरह सफ़र करते हैं तो उनको बताते हैं कि अगर ऐसा कोई आदमी मिले जो आपको बार बार परेशान कर रहा है तो उससे आप कुछ ऐसे हम ट्रिक्स बताते हैं उससे लड़ाई भी ना करनी पड़े और अपने आप को बचा भी सके और सुरक्षित पहुँच जाए। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, और इसमें पूरा कॉलेज प्रशासन, छात्र संघ और NSS सहयोग कर रहा है, और हमारे को राज्य सरकार द्वारा भी ये निर्देशित किया गया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। उसके साथ साथ रोमियो स्कॉड जो है वो उनको आत्मरक्षा के नियम भी बता रहे हैं और प्रायोगिक करके भी बता रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। साथ ही ये हर रोज़ कॉलेज आ करके सिविल ड्रेस में कई बार इनकी सुरक्षा भी करती है।